शिट, ये क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं लोकल में? टूम में, टूम में। अच्छा टूम में। घर पे डेकोरेशंस करने के लिए फूलों की हार बनाई है। आने वाला दिन। इसने रैंक दे यहीं पे। तो हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सबसे पहले आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से सब लोग दिवाली सेलिब्रेट करना, पर ज्यादा क्रैकर्स मत फोड़ना क्योंकि बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है इससे। मैं आज भी लेट उठा सोकर, मेरी मम्मी मेरे को बहुत ज्यादा डांट रहे हैं। देखो भाई, पानी फेंकने की तैयारी थी मेरे ऊपर, दिवाली की शुरुआत करने वाले थे मेरे को बिगाड़ के, पर देखो उसको वो भी लगा था शूट करने। ये लोग मेरे को सुबह से जगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं अभी जाकर उठ रहा हूँ और अभी 12 बज चुके हैं। अभी घर पे सफाई करते हैं, दिवाली के लिए अपना घर डेकोरेट करते हैं, मम्मी की थोड़ी हेल्प करते हैं और देखते हैं दिवाली में क्या क्या होता है आज। तो ये है दोस्तों आज का हमारा ब्रेकफास्ट। थैंक यू सो मच फॉर द ब्रेकफास्ट मॉम। फाइनली मैं खाना खा के हो चुका हूँ फ्री। अब मैं नहा लेता हूँ, फिर नहाकर मिलते हैं, फिर करते हैं घर की सफाई। फाइनली हो चुके हैं, अब हम तैयार। शाम तक घर की पूरी सफाई की जाएगी, जब तक समय नहीं हो जाता है दिवाली सेलिब्रेशन करने का। शाम को पूजा भी होगी जी। हाँ पूजा भी करेंगे। बॉक्स में रखा जा रहा है सारा सामान भाई। हो गया। और ये दोस्तों मम्मी ने खुद से घर पे डेकोरेशंस करने के लिए फूलों की हार बनाई है। वाह शिट, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया भाई जी? टेढ़ा ही हो गया पूरा। इतना पारे को क्यों रखा है? लास्ट सत्र आ रहा है, इतना दिवस आ गया। ये रोड क्या पहले से टूटा था? इस किस वजह से हुआ ये? ये नहीं घूम रही है। इस टिप्पर में दोस्तों लोड बहुत ज्यादा था ना, और ये इसको खाली कर रहे थे, और इसका वजन जो है ना उसने कर दिया यहाँ पे होल ही रोड में। अब कैसे कर रहे हैं भाई जी? जेसीबी। वो आ रहे इंचे नीचे ही आ गया मेरे ऊपर ही। हादसा होते होते बच गया, थोड़ा सा बच गया, बस सपोर्ट मिल गया इसको रोड का। रेत बजरी ले जा रहे थे ना परे, वो ट्रक ही गिर गया, पलट गया। जान माल की हानि होने से थोड़ा थोड़ा बच गया बस। हाँ ये जो साइड से जगह है ना, यहाँ से पीछे वाला टायर ही बैठ गया जमीन के अंदर। इस ट्रक के वो जो पीछे पत्थर है ना उसकी वजह से टिक गया है, नहीं तो जाना था सीधा नीचे। अब भाई जी आ रहा है जेसीबी लेके, और वो कोशिश करेगा इस टिप्पर को उठाने की जेसीबी की मदद से। भाई जी तूने देखा परे? चल वो बोरे अज्जू को बोल। तोड़ दिया लो भाई यार। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस ट्रक को उठाते हुए, अगर रोड फिर से टूट गया ना बीच से तो अपनी जेसीबी भी फंस जाएगी इसकी तरह, फिर हो जाएगा ज्यादा ही नुकसान। पीछे टिक गया है, अगर पीछे नहीं टिका होता ना ये जाना था नीचे फिर। भाई अभी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे ग्रिप की ना, ग्रिप नहीं बन रही है ढंग की, और इसको निकालने में टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। मैं श्योर हूँ कि ये निकल ही जाएगा, तो अभी चलते हैं हम घर की तरफ क्योंकि
दिवाली के करके थोड़ा काम है घर पे करने को, ये तो हो जाएगा, ये तो निकल जाएगा। तो दोस्तों मैंने वो स्वेटर जो है वो चेंज कर दिया क्योंकि वो हाई नेक थी ना, थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी यहाँ से, तो मैंने अब ये पहन लिया। अब मैं मम्मी के साथ जा रहा हूँ हारे लगाने। ये हारे बनाई है मम्मी ने आज, तो इनको लगाएंगे हम दरवाजों में। यहाँ लगानी है? अच्छा, तो यहाँ तो पहुंचूंगा नहीं मैं। अच्छा चेयर ले आते हैं, बारिश का पानी है इस चेयर में, नीचे वाली निकालनी पड़नी। ये वाली ठीक है। पहले एक कोना कील में लगा, ऐसे नहीं धागा आगे रखा हो, देखिए बंद डबल करके चाहिए, ये लगाई ना ऐसे कर, अब लगा परे। तू काम कर पहले, दोस्तों फाइनली सारी डेकोरेशंस दिवाली की हो चुकी है कंप्लीट। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरी मम्मी कैसे तैयार हुए हुए हैं। ये इसको बोलते हैं पट्टू, ये होता है पूजा करते बार लगाते हैं इसको, पूजा करते बार लगाते हैं इसको यहाँ हिमाचल में, है ना। यहाँ देखिए इसको क्या बोलते हैं लोकल में, टुम्मे, टुम्मे। अच्छा टुम्मे, बहुत ही कम है वैसे, कम ही पटाखे जलाएंगे और आप लोग भी कम पटाखे जला। यहाँ पे मिठाई मम्मी ने अभी खाने से मना किया था कि अभी मत खाना, बट मैं अभी ही खाऊंगा। क्या क्या मिठाई मेरी नजरों से दूर कर दो मम्मी जी इस मिठाई को, अगर आप चाहते हैं कि बाकियों के लिए भी बचे। अच्छा दिया जलाना, चलो है। कमेंट करके पक्का बताना ये कैसा लग रहा है आपको देखने में, ये जो मम्मी जी की ड्रेस है। गुनू गुनू गुनू, यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना, यहाँ पूजा होगी अभी अभी साइड में। बहुत ज्यादा गाइस, बहुत ही ज्यादा ठंड है यार। ये जल गया जी, फूलों की रंगोली के बिल्कुल सेंटर में दिया। अब जाना तुम पूजा, कहाँ पूजा करनी। हो गई ना पूजा, पूजा हो गई ना। अब चलो करते हैं जरा उद्घाटन करते हैं जरा गाइस। ये देखो दोस्तों, हमारी परंपरा के अनुसार पटाखे फोड़ना भी जरूरी है, तो थोड़े से पटाखे फोड़ो ताकि एयर पोल्यूशन भी ना हो, कम हो। क्यों भाई वो पटाखे जलाने से पहले दोस्तों हम जलाएंगे आग, फिर जलाएंगे हम रॉकेट। ये पता क्या है, दूर रहना इससे, ठीक है ना, जब जलाऊंगा बड़ी आग जलाएंगे हम, बड़ा बॉन फायर करेंगे आज। ये ले पतली पतली लाया हूं मैं, पतली वाली जल जाएगी जल्दी। मजा आ गया भाई, मर गया था ठंड से यहाँ। इसको भेजने जा रहे हैं हम अपने पड़ोसियों के घर। घर को गई बोला गाइस, अब जा रहा है ये हाथ में ही फोड़े गए तो। फिर मैं इतना पागल नहीं हूँ मैं गाइस, हाथ में फोड़ सकते तुम्हारा, यू कैन डू इट, इसमें नहीं गड़ सी गाइस।
बेकार में इतनी तारीफ किया जा रहा हूँ इसकी। टोपी गिर गई यार। तेरे को क्या हो रहा है, तेरे को क्या हो रहा है, तूने भी फोड़ना दो मंजीस को भी। जो हम बॉयज होते हैं, हमारे फेवरेट बम की बारी आई अब। अब देखो ये क्या कर रहा है, इस तरह मत हो जला, एकदम फटता है, हाथ में फट जाएगा। जला तब जला, हंस रहा है ना, जला। मत तो बस कर रहे, मत कर। ओए अरे डर रहा है। गुनू फेंकने वाला है, इसने फेंक दिया यहीं पे। ये हो गया मिस सारा। हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों आज की दिवाली के इस ब्लॉग में बस इतना ही। आपको और आपके घर वालों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली की। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।